सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में क्विक वॉक अराउंड रिव्यू शेयर करने वाला हूँ 2019 बजाज पल्सर 180F का। इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा 220F है। इसकी हेडलाइट, इसका जो फुल फेयरिंग डिज़ाइन दिया गया है वो कम्प्लीटली 220 की जो है उसकी याद दिलाता है अपने को। तो अब आपके पास में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो गया है। अगर आपको 220 जैसा लुक पसंद है तो आप 180cc की बाइक ले सकते हैं, जो कि इंजन जिसका काफ़ी अच्छा है, रिफाइन है, माइलेज भी आपको 220 से काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी जो है दिखने में 220F जैसी या 220 जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मली उसके जैसी दिखती है। तो ये जो चीज़ करी है वो बजाज ने काफ़ी अच्छा करा है, पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अब लोग 220 को लेंगे क्यों। अगर उन्हें पावर से मतलब है तो वही लोग 220 लेंगे, अदरवाइज ये जो 180F निकाली है ये लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस गाड़ी की स्पेक्स की बात की जाए तो 4 स्ट्रोक का SOHC 4 व्हील एयर कूल्ड DTIS इंजन इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, जो जनरेट करता है 17.2 PS की पावर 8500 RPM पे और 14.22 Nm का टॉर्क 6500 RPM पे। तो गाड़ी का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है, दिखने में अच्छी लगती है और जो सस्पेंशन सेटअप है, जो ब्रेक सेटअप है ऑलमोस्ट सेम है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन ब्रूच और रियर में 5 एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर। 260mm का फ्रंट में डिस्क, 230mm का रियर में डिस्क गाड़ी के अंदर दिया गया है। ABS अभी तक इन गाड़ी के अंदर लॉन्च नहीं किया गया है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है, अदरवाइज प्राइस मैंने आप लोगों के साथ में जो है शेयर कर दी थी। इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग ज्वाइन नहीं है तो जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे कास्ट बाइक स्कूल उसके सभी लीक्स वगैरह अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। फ्रंट में 1990-17 टायर और रियर में 120-80-17 टायर इस गाड़ी को दिए गए हैं। गाड़ी की जो लुक है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है 220F की जैसे, और वही 15 लीटर का फ्यूल टैंक इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 160mm का ग्राउंड क्लियरेंस, गाड़ी का कब वेट 151 kg का है, जो थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है। ओवरऑल जो इंजन काउल आप देख रहे हैं, जो टैंक देख रहे हैं, फ्रंट में ये सस्पेंशन देख रहे हैं, मतलब अगर आप आगे से इस बाइक को देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि 220F है या 180F है। और जो स्विच की डिज़ाइन है, क्वालिटी है, वो काफ़ी अच्छी है। इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ब्लू कलर की इसके अंदर लाइट्स का यूज़ किया गया है, पर जो हैंडल बार पे ब्लू कलर की जो लाइट्स दी गई है, एम्बियंट लाइट है, वो इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, रात में चलाने में मज़ा नहीं आएगा। वही अगर वाइट कलर की जो पल्सर में आती है ट्विन डिस्क या जो भी नॉर्मल पल्सर में आती है, वो लाइट मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। इस गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का यूज़ किया गया है, पर जो बल्ब है वो हैलोजन बल्ब है नॉर्मल, यहाँ पर अगर वाइट कलर की LED लाइट्स होती तो वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती, और साथ ही साथ जो विजिबिलिटी है वो भी थोड़ा सा इन्हांस हो जाता उससे। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है गाड़ी की आप देख सकते हैं, लाइट्स वगैरह जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। प्राइस जो है वही सेम है, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। जैसे 180F ऑफिशियली लॉन्च हो जाती है उसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, गाड़ी का रिव्यू आपको मिल जाएगा। और अगर इस गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर मैसेज कर दीजिए। साथ ही साथ ज्वाइन हो जाइए हमारी इंस्टाग्राम कम्युनिटी में, ताकि आपको भी सभी अपडेट्स मिलते रहे और कोई भी अपडेट्स जो है आप लोग मिस नहीं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर देना, और जिन लोगों की ये काम में आ सकती है उन लोगों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमॉरो नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।